नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में हम आपके समक्ष अंग्रेजी व्याकरण से यानी इंग्लिश ग्रामर से जेरण लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आप देख चुके होंगे जो पार्टिसिपल के बारे में था, जिसमें पार्टिसिपल के तीनों भाग दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज आगे आपको जेरण के बारे में अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्टिसिपल के बारे में जानकारी दी थी और उसके बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, आपके सामने है। मित्रों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको पिछला वीडियो आसानी से मिल जाए और उसमें देखकर आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। मित्रों, चार्ट को एक बार ध्यान से देखें पूरा एक नज़र, जिसमें पार्टिसिपल जेरंड और इन्फिनिटिव के बारे में बताया गया है। इस पर ध्यान दें और अब हम जेरंड के बारे में आगे देखते हैं। जेरंड के बारे में आपको दिखाई दे रहे उदाहरण के माध्यम से जानकारी हो जाएगी। सीइंग इज बिलीविंग, दूसरा है आई लाइक रीडिंग पोएम्स, यानी पहले का अर्थ है देखना ही विश्वास करना है और मैं कविताएं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, जेरंड जो कि एक वर्बल नाउन है, और जेरंड एक नाउन का काम करता है वर्बल नाउन के रूप में, और सीइंग रीडिंग जो है इसके जेरंड है, जिसमें वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म में इंग लाकर बनाया गया है, ये जेरंड है। आइए दोस्तों, इसके बारे में और आगे देखते हैं। जैसा कि देखने से ज्ञात होता है, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में काफी समानता है। दोनों वर्ब की प्रथम अवस्था में इंग लगाकर बनाए जाते हैं, और इस समानता के बावजूद इसमें काफी अंतर है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में समानता के बावजूद भी अंतर है, काफी अंतर है। देखिए, पहला है जेरंड नाउन का कार्य करता है जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। जेरंड हिंदी में अनुवाद करने पर उसका अर्थ अंत में जो शब्द होगा उसके अंत में ना नैनी आदि शब्द आएंगे, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसका अनुवाद करने पर हुआ हुए आदि शब्द अंत में आएंगे। इन दोनों का उदाहरण आप देख सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, जबकि वो जेरंड में है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। आई मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, मुझे एक टोकरी ले जाते हुए लड़की मिली, यानी मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो टोकरी लिए हुए जा रही थी। तो मित्रों, मुख्य अंतर है इसमें, कैरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो गर्ल नाउन है उसका उसको क्वालिफाई करता है, जबकि जेरंड में आप देखें सीइंग जो कि जेरंड है उसके अगल बगल में कोई वर्ड नहीं है, वो सब्जेक्ट हुए वर्ब का कार्य करता है। अब एक्सरसाइज पे नजर डालते हैं। एक्सरसाइज में इसमें एक सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना पड़ता है, एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो इसके में पहला जो है सेपरेट सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड ही गाट गुड मार्क्स। दो वाक्य हैं, दोनों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, बाई वर्किंग हार्ड ही गाट गुड मार्क्स। और दूसरा है सेपरेट सेंटेंस है, हर हस्बैंड डाइड पहला है, दूसरा है सी हर्ड द न्यूज, दूसरा है और तीसरा सी फेंटेड। इन तीनों सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस होगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। दोस्तों, इसका एक यूज और है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में होता है, तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस है जिसको सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। कंपाउंड सेंटेंस है, ही टुक हिज बुक्स एंड वेंट टू स्कूल, यानी वो किताब लिया और स्कूल चला गया।
इसको पहला सिंपल सेंटेंस पहले तरीके से बनाया गया है, टेकिंग अप हिज बुक्स ही वेंट टू स्कूल, और दूसरा है आफ्टर टेकिंग अप हिज बुक्स ही वेंट टू स्कूल। तो दोस्तों ये आपने पिछले वीडियो में भी हमने आपको अभ्यास कराया, आगे भी अभ्यास कराते रहेंगे। बराबर मित्रों जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ बने रहें। धन्यवाद।